हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के एक दूसरे टॉपिक के बारे में, विच इज प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। नॉर्मली एक एक्सप्रेशन क्या होती है, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक एक्सप्रेशन है नॉर्मली एक डेटा के साथ कुछ ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके हम कुछ नया आउटपुट परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेशन के बेस पर लगाए जाते हैं, वेदर इट इज माइनस, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एक्सपोनेंट या कुछ और भी। तो एक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या हुआ, एक दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेंड्स मींस डेटा एज वेल एज द ऑपरेटर्स बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। हम यहां पर बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच एग्जैक्टली नीड्स टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट, लाइक प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस हो, डिवाइड हो, माइनस हो, ये बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको कि एग्जैक्टली टू नंबर्स चाहिए ही चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी होते हैं जिसको कि दो से ज्यादा ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स की भी जरूरत पड़ती है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, बट टिपिकली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दी बाइनरी ऑपरेटर्स। सो आ जाते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मे बी लाइक 7 + 6 मे बी इक्वल्स टू एन एक्सप्रेशन। दिस इज एन एक्सप्रेशन हैविंग टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मींस डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, और ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज दैट मे बी ऑल्सो कॉल्ड एन ऑपरेटर और नॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड सिंबल विच एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन दीज डेटा। सिमिलर अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन मे बी पी प्लस क्यू, वेर यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पी एज वेल एज द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन मे बी रिप्रेजेंटेड लाइक बी प्लस 5। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अनदर वे ऑफ दिस वन, अच्छा हम यहां पर बात करते हैं इस बी के लिए, बी कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब बी की जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है वो भी एक एक्सप्रेशन से निकल करके आ रही है, जैसे कि हम यहां पर बात कर सकते हैं लाइक ए माइनस 1 + 5, हो सकता है ये बी की वैल्यू हो। ठीक है, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं जितने भी एक्सप्रेशन हमने यहां पर लिखी है, दी आर दी टिपिकल रिप्रेजेंटेशन और दी कॉम्बिनेशन और दी अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स बिटवीन दीज टू। बचपन से हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें हम आगे किस तरह से पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को आगे समझने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिया है, आइए इसको इवेलुएट करके देखते हैं। सिमिलरली हम यहां से अगर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, देन देयर मे बी टू अप्रोचेस टू सॉल्व दिस। आइए देखते हैं, 7 - 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लीकेशन विद 3 दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनली 12। अनदर वे ऑफ ऑपरेटिंग दिस दैट हम अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन पहले करें दैट विल बी 9 माइनस देन 7 एंड 7 - 9 विल बी इक्वल्स टू -2। यू आर हैविंग टू डिफरेंट ऑपरेशंस आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस एक्सप्रेशन। आइए देख लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से इवेल्युएट करें, कौन सा आंसर हमारा ठीक है, वेदर द राइट आंसर इज 12 और -2। इसके लिए हमें यहां पर ऑपरेटर्स के बीच में कुछ ना कुछ रूल्स को सेट करना पड़ेगा, और वो रूल बेसिकली क्या कहलाते हैं, दीज आर नॉर्मली कॉल्ड प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल। आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द एसोसिएटिविटी एंड व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को हम यहां पर समझ लेते हैं। व्हाट इज द प्रेसिडेंस, नॉर्मली एज आई सेड दैट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की होती है उस एक्सप्रेशन में हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रेसिडेंस। एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के हिसाब से जितने भी एक्सप्रेशन हम अब आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो ऑपरेटर्स हैं दीज आर पेरेंथीसिस। ठीक है, किसी भी तरह के ब्रैकेट्स या पेरेंथीसिस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी जाएगी, दैट विल बी ऑन द प्रायोरिटी नंबर 1। देन ऑन द प्रायोरिटी नंबर 2 देयर विल बी एन एक्सपोनेंट साइन, दैट पावर साइन। ओके, नाउ नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन have the same priority, same precedence, okay? And finally, at fourth position, plus and minus symbols are having the least priority or number fourth priority or precedence. So this is the basic precedence order of the operators. Number 1, parenthesis. Number 2, exponent. Number 3, multiplication and division having the third priority. And plus and minus having the least priority. That is number on fourth. Now come to the associativity.
नाउ एसोसिएटिविटी इज व्हाट फॉर एक्सपोनेंट इज, जाहिर सी बात है ब्रैकेट्स के लिए कोई एसोसिएटिविटी नहीं होगी, और एसोसिएटिविटी होती क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंट के लिए जो बेसिकली हम एसोसिएटिविटी लिखेंगे दैट विल बी राइट टू लेफ्ट, एंड बाकी इन चारों ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास जो एसोसिएटिविटी है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज एग्जैक्टली इज, ये जब हम अभी एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे और जब भी आगे पढ़ने वाले हैं उसके साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाट द एसोसिएटिविटी एग्जैक्टली इज। हमने यहां पर अभी प्रायोरिटी को ज्यादा अच्छे से समझा है और उसके रिलेशन में हमने एसोसिएटिविटी देखी है। आइए देख लेते हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन अगर हमको इनफिक्स फॉर्म में दे रखी है और अब हम यहां पर प्रायोरिटी के बेसिस पर उसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। प्रेसिडेंस के हिसाब से समझने के लिए एक एक्सप्रेशन को एज एन एग्जांपल यहां पर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास है 5+1 मल्टीप्लिकेशन विद 6। अगेन यहां पर हम दो आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम पहले प्लस को ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे या इवेलुएट करेंगे देन मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो इसका कुछ आंसर अलग आएगा, और अगर हम इस प्रायोरिटी के बेसिस पर चलते हैं तो हम देख लेते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इज देयर एनी ब्रैकेट, नो देयर इज नो ब्रैकेट। इज देयर एनी एक्सपोनेंट, नो देयर इज नो एक्सपोनेंट। ऑन द थर्ड प्रायोरिटी देयर इज एन एस्ट्रिक साइन। नाउ एस्ट्रिक एंड प्लस हैविंग द डिफरेंट प्रायोरिटी, सो प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इज हैविंग द हाइएस्ट प्रायोरिटी ओवर द प्लस ऑपरेटर, सो दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट। Now 6 multiply by 1 that is 6। अब हमारे पास expression रह गई ये। Now क्योंकि ये हमारे पास एक ही operator बचा है that is plus। Now 5+6=11। तो 11 will be the right answer instead of अगर हम इसको दूसरी तरह से calculate करते तो ये हो सकता था 6 multiply by 6 that is 36 which is normally wrong। So, आपने देखा कि बेसिकली हमने जब इसको प्रेसिडेंस के हिसाब से सॉल्व किया इस एक्सप्रेशन को तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 11 विच इज करेक्ट। आइए देख लेते हैं कि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। एसोसिएटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहां पर एक एक्सप्रेशन को ले लिया है विच इज 10-4 मल्टीप्लीकेशन 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1। देर इज नो पैरेंथेसिस, तो हाइएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस वाला तो हमको कोई भी ऑपरेटर मिला नहीं। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट, देर इज नो ऑपरेटर ऑफ एक्सपोनेंट। कम टू नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, यस देर इज मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज देर इज अ डिविजन साइन ऑल्सो, बोथ आर हैविंग द सेम प्रेसिडेंस। नाउ अब हम यहां पर सोचना है कि अब हम पहले किसको ऑपरेट करेंगे। यहीं पर एसोसिएटिविटी बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करती है। एसोसिएटिविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में लेफ्ट टू राइट की एसोसिएटिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे और जो भी ऑपरेटर पहले मिलेगा उसको पहले ऑपरेट किया जाएगा, देन उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, उसके बाद फिर चौथा, और अगर उनकी उनकी जो प्रायोरिटी है वो अगर सेम है तो आइए इसको हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास पहले माइनस मिला है तो माइनस तो फोर्थ प्रायोरिटी पर है तो इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर हैविंग द सेम प्रायोरिटी, सो फर्स्ट लेफ्ट से स्कैन करते हुए हमें पहले मल्टीप्लीकेशन मिली है, देन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, देन दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस। आफ्टर दिस ओनली सिंगल डिविजन ऑपरेशन इज देयर, देन वी विल परफॉर्म दिस लाइक माइनस, देन दैट विल बी 8+1। अब आप आगे देख सकते हैं यहां पर भी हमारे पास माइनस एंड प्लस दोनों सेम प्रायोरिटी के, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स मिले हैं। अगेन हम यहां पर वही कॉन्सेप्ट चेक करने वाले हैं एसोसिएटिविटी का, वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। दिस इज लेफ्ट टू राइट, तो इधर से फिर से स्कैन करना शुरू करेंगे हम। हमारे पास जो भी ऑपरेटर पहले मिलेगा दैट विल बी ऑपरेटेड फर्स्ट, सो 10-8 विल बी 2, देन +1, एंड फाइनली सिंगल ऑपरेटर इज देयर, द फाइनल आंसर विल बी 3 ओनली। तो दिस इज हाउ लॉजिकली लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी वर्क्स। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें कि हम राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। आइए राइट टू लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एसोसिएटिविटी के, कि इसमें हम किस तरह से काम करेंगे। यू कैन सी द एक्सप्रेशन 2+2 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 3, क्योंकि हमें इसमें राइट टू लेफ्ट वाला एक ही रूल मिल रहा है एक्सपोनेंट, तो जाहिर सी बात है उसके साथ हमें काम करना ही पड़ा। तो उसी के समझाने के लिए हमने यहां पर इस एग्जांपल को लिया है। नाउ यू कैन सी एक्सपोनेंट हमारे पास 2 टाइम्स है, मींस दे आर हैविंग द सेम प्रायोरिटी। नाउ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी इज देयर,
अनदर ऑपरेटर इज प्लस बट प्लस इज हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी ओवर द एक्सपोनेंट, तो हम इसको तो अभी कंसिडर नहीं करने वाले हैं, पहले हम एक्सपोनेंट का काम खत्म कर लेते हैं एसोसिएटिविटी के हिसाब से। आ जाते हैं इस पर हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू कैन सी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इज देयर, सो स्टार्ट द स्कैनिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ओके फॉर द एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स ओनली। आ जाते हैं देखते हैं, हम सबसे पहले इधर से देखना शुरू करते हैं, देन इट विल बी कैलकुलेटेड लाइक 2 एक्सपोनेंट 3 दैट विल बी 8। सो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, फर्दर 2 प्लस 2 एक्सपोनेंट एंड द आंसर ऑफ दीज टू, आफ्टर इवेल्युएटिंग दीज टू ऑपरेटर्स दीज टू ऑपरेंट्स देन द आंसर विल बी 2 रेज टू द पावर 8, 2 एक्सपोनेंट 8। अब हम यहां पर फिर से देख रहे हैं, अब तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, सिंपल एक्सप्रेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास एक्सपोनेंट की है ओवर प्लस, सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल बी 2 raised to the power 8, that will be equals to, I think, 258. Yes, it is 258. And now, this is simple expression, that is 250. Sorry, it is 256 and then this is 258. So, this is how right to left associativity actually works. So, on the basis of the precedence, we have to also check the associativity rule. अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरह से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को दे रखा है। मैं स्टार्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन से ही कर रहा हूं क्योंकि हम फैमिलियर हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन से काम करने के लिए, कि जहां पर दो ऑपरेंट्स इस तरह से और बीच में एक ऑपरेटर हो तो हमको ज्यादा समझ में आता है। तो हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स और इनफिक्स से हम प्रीफिक्स कैसे बनाएंगे, फिर हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि प्रीफिक्स से इनफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स, देन पोस्टफिक्स से इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली इनकी जरूरत क्या है। इनफिक्स एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना नॉर्मली कंपाइलर के लिए या मेमोरी मैनेजर के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो उस स्टैक के ऑपरेशन के थ्रू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के थ्रू हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कंपाइलर और द मेमोरी मैनेजर नोज द एग्जैक्ट वे ऑफ द कैलकुलेशन। आइए अब आगे पढ़ने वाले हैं कि इनफिक्स और से हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि ये प्रिसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का और एक्सप्रेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका रूल आपको क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रीफिक्स इनफिक्शन एंड व्हाट इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसको समझ लेते हैं। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के बारे में एक आइडिया लेने के लिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को लिया है, विच इज 8 प्लस 6। ये इनफिक्स क्यों बोली जा रही है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है वो इनफिक्स है, मीन्स बीच में फिक्स है, इनफिक्स इनसाइड फिक्स, that's why it is called infix. Now prefix as name indicates, prefix मतलब पहले, means operator इसमें operands के पहले आ जाएगा, means that will be written as plus 8 6. That may be little bit confusing for us, but it is very easy for the computer system or the architecture to understand and to evaluate this expression. आ जाते हैं postfix पर, what is the postfix of this expression? Postfix means इसमें operator हमारे बाद में चले जाएंगे। Now the operands will be like 8 and 6. This is not 86. Remember, this is only 86. हमने यहाँ पर इन operands को पास लाया है, इनके किसी भी तरह से formations में change नहीं किया है। So this is as 8 and 6, not 86. Similarly here also. So in the postfix, 8 and 6 both operands will be together and the operator will be the after the operands. So this is the simple structure of this one. Then operand operator, हम इस तरह से यहां पर operand and operators की associativity को देख सकते हैं, then operand operator and operand, तो operand and operand, then बीच में हमारे पास operator आ गया। In the prefix, operator आपका first पहली position पे चला गया, means पहले आ गया operand के बाद में दोनों operands आ गए, and finally पहले हमारे पास दोनों operands रहेंगे and then operator will be at the last position. So this is the simple representation of the infix, prefix and postfix expressions. I hope ki your concept aapko clear hua ho. Hum aage aur bhi kuch bahut kuch padhne wale hain. Thank you so much.